ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਾ, ਉਸ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। गाली गलोच करदा उसका अगेंस्ट सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। दारू पी के गड्डी नहीं चलानी चाहिए, इन्हें का चलान होना चाहिए। सत श्री अकाल जी, ये भगवंत मान ने हुणे ही पीते दिन ही एक बहुत वड्डा फैसला लिया है, जिस दे विच उन्होंने कहा है भी ब्याह शादियां दे उत्ते जिहड़ा शराब पी के गड्डी चलाऊगा तां उहदे उत्ते बहुत वड्डा चलान किया जाएगा। तो आओ आपां बजुर्गां दे नाल गलबात करते हैं भी यह फैसला किन्ना कु सही है ते किन्ना कु गलत आ। हाँ जी बाबा जी दसो जी। हाँ जी गलत है जी, सही ठीक है। भगवंत मान जी ने कहता भी दारू पी के गड्डी चलाना मतलब की चलान किया जाऊगा। हाँ जी, पर उन्होंने फिर यह भी चाहिए है कि पंजाब दे विच जिन्ने भी ठेके ने दारू विकती है वह भी बंद होनी चाहिए ने। हाँ जी, फिर तो यह हिसाब बंद होनी चाहिए ना। ठीक है बाबा जी, तुसी दसो। हाँ जी, बिल्कुल गलत है, दारू पी के गड्डी नहीं चलानी चाहिए, इन्हें का चलान होना चाहिए। यह मान सरकार ने सही फैसला लिया। वैसे तो दारू ठेके भी बंद होने चाहिए, पहलसा में भी दारू बंद होनी चाहिए है। एक खलबली मचाते ना फिर बाद में पीक पका के, इस करके बंद ही होनी चाहिए। बहुत वधिया फैसला लिया भगवंत मान जी ने। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है, ये फैसला ही सब तो वधिया है। भगवंत मान जी ने बहुत बड़ा उपराला किया है, क्यों लोग दारू पी के पैलसा च ड्राइविंग करके फिर गड्डिया चलाते ने, एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये बहुत वधिया जी फैसला। तो तुम भी ये समझते हो भी साढ़े पंजाब के जिन्हें भी ठेके ने दारू ने नशा विकता वा वो बंद होना चाहिए वा? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बंद होना चाहिए है। हाँ जी देखो, दारू ने तो कहा भी पंजाब में या कहीं भी मुश्किल बंद होनी, पर हाँ एक चीज़ है, कोई भी दारू पी का ड्राइविंग करा उस पर ज़्यादा ज़्यादा फाइन होना चाहिए। कोई भी आदमी हो, कोई आदमी गलत काम करता दारू पी का हर रोज़ गाली गलोच करता, उसका अगेंस्ट सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। जो नशा जो सारे आम बिक रहा, जो पहले पंजाब में था आज पूरे हिंदुस्तान में बिक रहा हो, जिसने के हमारी नौजवान पीढ़ी को खत्म करके रख दिया, वो बिल्कुल ही बंद होनी चाहिए। धन्यवाद। बुजुर्गो तुसी कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, नशे बारे तो बहुत सख्ताई करो जी, सख्ताई पूरी सख्ताई करनी चाहिए गवर्नमेंट नू। ठीक है जी, नहीं तो नौजवान पीढ़ी बहुत खराब हो जूगी। भगवंत मान ने जिहड़ा पिछे के फैसला लिया सी भी ब्याह शादियां दे विच दारू पी के गड्डी चलाण ते कीता जाएगा मोटा चलाण, बुजुर्गो तुसी इस फैसले नू किन्ना सही समझदे हो किन्ना गलत समझदे हो? बहुत सही है, बहुत सही होना चाहिए। वो जिहड़े जिहड़े नशा बेचते हैं ना, उन्होंने गवर्नमेंट कर लेंदी है, मतलब केस चलाउण लग जांदी, उन्होंने तो फांसी देनी चाहिए है। जिहड़ा कोई अपने आप ही गाह फिर बंदा हट, जिहड़ा इक अद्धे नाल आए हो जाए ना फिर अपने आप हट जांदे लोक मन दे। हाँ जी, बुजुर्गां नाल आपां गलबात कीती है ते जिथे आपां भगवंत मान ने फैसला लिया सी भी शराब पी के गड्डी चलाउण ते वड्डा मतलब कि चलान किया जाऊगा, तो आप वक् वक् बजुर्गों गलबात करी है तो उन्होंने अपन अपन राय दी है भी किन्ना कि फैसला सही है किन्ना कि गलत है। तो होर मोर अपडेट जानने के लिए देखते रहो नैक्सट पंजाब।